हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पपी को चूज़ करते वक्त लोग इन जनरल तीन बड़ी मिस्टेक्स हमेशा करते हैं। वो चूज़ करते हैं पपी जो ज़्यादा एनर्जेटिक है, जो ज़्यादा क्यूट, जो 6 से 8 हफ्तों से कम एज का है। इन सब गलतियों की वजह से वह एक ऐसा पपी लेकर आ जाते हैं जो उनके साथ बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। सो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है मोस्ट ऑफ यू आगे चलकर पपी लेने का प्लान कर रहे होंगे। So if you don't mind, please subscribe to my channel, जिससे आपको अपने हर questions and important topics के answers मेरे video के through मिल सके। So end तक बने रहिए, let's get started। तो first question जो आपके mind में आ रहा होगा कि किस basis पे puppy को choose किया जाए? Answer काफी clear है, energy के basis में। Energy के 4 levels होते हैं, number 1 low, number 2 medium, number 3 high, number 4 वेरी हाई। सो एक पपी को चूज करने से पहले खुद के लाइफस्टाइल को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे पर्सनल प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक फार्म लैंड है जिसके लिए आपको एक फार्म डॉग चाहिए जो हर्डिंग में काम आ सके, या फिर प्रॉपर्टी गार्डिंग के लिए, इन दैट केस एक वेरी हाई एनर्जी वाला पप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ऐसे वेरी हाई एनर्जी पप्स को हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज, एडवांस लेवल ट्रेनिंग एंड न्यू स्किल्स लर्न करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें एक स्ट्रॉन्ग पैक लीडर की जरूरत होती है। सो पप्स जिनकी मीडियम लेवल एनर्जी है वो फैमिली डॉग्स के लिए बेस्ट सूटेबल है, एंड उनके लिए जो जॉब्स करते हैं, जिनका प्रोफेशन है, या फिर स्टूडेंट्स या जो कॉलेज जाते हैं, उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। इन्हें जस्ट मॉर्निंग में वॉक एंड इवनिंग में वॉक करवाना ही काफ़ी है। लास्ट में आते हैं लो एनर्जी वाले पपी। ऐसे डॉग्स उनके लिए है जो बहुत ही लेजी है, जिनकी ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं है, उनके लिए बेस्ट सूटेड है। ओनर्स इन्हें सिर्फ लैब डॉग्स की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक ड्रॉबैक जो एक लो एनर्जी वाले पपी में होता है वो होता है उन्हें सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक लीटर में डिजायर्ड एनर्जी लेवल वाला पपी कैसे चूज करें। स्टेप नंबर 1, आपको ये देखना है कि पपीज आपस में कैसे खेल रहे हैं और आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। पपीज़ जो बाकी पपीज़ को बाइट कर रहा है, जो आपके शूज़ के लेस को पुल कर रहा है, जिस पपी के पास ज़्यादा टॉयज़ है वो हाई एनर्जी लेवल वाला पपी है। एक पपी जो दूसरे पपीज़ के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, आपको स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, या अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है बाय स्टेइंग काम, वो डेफिनेटली एक मीडियम एनर्जी लेवल वाला पपी है। अब आते हैं वो पपी जो बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट का, जो बहुत रिलैक्स्ड हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता हो प्ले टाइम में भी, जिसके साथ कोई और पपीज नहीं खेलना चाह रहा हो एंड आपको इग्नोर कर रहा हो, वो एक लो एनर्जी लेवल वाला पपी है। स्टेप नंबर 2, गो फॉर अ वॉक। अगर आपने लिटर में से 3 या 4 पपी सेलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडियम एनर्जी वाले पपीज हैं, तो उनमें से कोई एक पपी आपको लेना होगा। आपको ये पता करने के लिए पपी को बाहर एक वॉक टेस्ट के लिए ले जाना होगा। वॉक करते समय पपी का ध्यान आप पे होना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए थ्रू साइट या फिर सेंट। हाई या वेरी हाई एनर्जी वाले पपीज का आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है, वो वॉक के टाइम पुल ज़्यादा करेंगे। स्टेप नंबर 3, प्ले विथ योर पपी। ट्रायल वॉक के बाद पपी को टच करके आप देखें कि क्या वो पपी आपके टच के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। उसे उठाइए, बेली रब करे, पॉज को होल्ड करे। अगर पपी कामली रिएक्ट करता है तो आपने राइट पपी पिक किया है। हाई या वेरी हाई एनर्जी वाले पपी प्ले बाइट बहुत करेंगे एंड आपको हर बॉडी पार्ट छूने नहीं देंगे। छोटे इश्यूज जैसे पपी बाइटिंग बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप दोनों कंपैटिबल हुए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर न्यू फ्रेश वीडियोज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।